Good morning, students. Myself, Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, Bethia, Chhavni. Welcome to e-learning classes. बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में अनौपचारिक पत्र के विषय में पढ़ा था. उसके उपरांत अब हम लोग अनौपचारिक पत्र को पढ़ेंगे और देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से तैयार किया जाता है. अनौपचारिक पत्र. अनौपचारिक पत्र उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत परिचय या संबंध होता है, या संबंध होने या करने की कोई संभावना होती है. अतः ऐसे पारिवारिक मित्रों और संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्रों को ही अनौपचारिक पत्र कहा जाता है. अनौपचारिक पत्र के भेद, तीन भेद हैं. पहला है निमंत्रण पत्र, दूसरा है आभार प्रदर्शन पत्र, तीसरा है संवेदना पत्र. अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए. पहला है प्रेषक का पता और दिनांक, जिसे कि हम बाईं ओर में प्रेषक अपना पता एवं उसके नीचे दिनांक या तिथि लिखी जाती है. दूसरा है संबोधन. दिनांक के ठीक नीचे पत्र वाले व्यक्ति के लिए यथोचित संबोधन शब्द लिखे जाते हैं. अर्थात संबोधन, किसी को संबोधित करना, दिनांक के ठीक नीचे संबोधन व्यक्ति के लिए यथोचित संबोधन शब्द का प्रयोग करना चाहिए. अभिवादन. संबोधन के अनुसार ही अभिवादन का भी प्रयोग किया जाता है. विषय वस्तु या सामग्री. पत्र लेखक पत्र प्राप्त करने वाले से जो कुछ कहना चाहता है उसके विषय में, वो पत्र में जो जो सामग्रियां डालना चाहता है या पत्र देने वाले को वो क्या कहना चाहता है, इन सारे बिंदुओं को पर दृष्टि डालते हैं और वो कुछ कहना चाहता है, ये इन सारी बातों को हम विषय वस्तु में रखते हैं. पत्र का समापन. पत्र की समाप्ति पर निकट संबंधी व्यक्तियों को यथा योग्य, छोटा है या बड़ा है, वो जिस भी कैटेगरी का है, जिस भी श्रेणी का है, उसे हम यथोचित अभिवादन करते हैं और तब हम उस प्रकार से पत्र का हम समापन करते हैं. बच्चों, आज मैं आपको निमंत्रण पत्र के प्रारूप के माध्यम से बताऊंगी कि किस प्रकार से अनौपचारिक पत्र में निमंत्रण पत्र तैयार किया जाता है. अब मैं बच्चों आपको अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत निमंत्रण पत्र का एक प्रारूप बताने जा रही हूँ. सर्वप्रथम निमंत्रण पत्र तैयार करने से पूर्व उसका शीर्षक देना अनिवार्य होता है. तत्पश्चात संस्था का नाम, उसके बाद संबोधन, किसको संबोधित करना है, संबोधन करना देना है. फिर आप अपना एक कंटेंट डालेंगे, विषय वस्तु, जो भी विषय वस्तु आपको लिखना है निमंत्रण पत्र के अंतर्गत, वो आपको विषय वस्तु के अंतर्गत देना होगा. उसके बाद जो जो कार्यक्रम प्रस्तुत होने हैं या जो जो कार्यक्रम होने हैं उनका विवरण यहाँ पर देना है, कार्यक्रम का विवरण देना है. उसके बाद उत्तरापेक्षी, तत्पश्चात स्वनिर्देश में आप अपना नाम, पता, ये सारी चीजों को डाल सकते हैं, मुखिया का नाम एवं पद. उसके बाद अन्य लोगों के भी नाम यहाँ पर दिए जा सकते हैं. अब एक और पत्र के माध्यम से मैं आपको अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप बताने अनौपचारिक पत्र का एक और उदाहरण मैं आपको बताने जा रही हूँ. विद्यालय के हिंदी परिषद ने तुलसी जयंती मनाने का निर्णय किया है. उनकी अध्यक्षता के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष को आमंत्रित करते हुए एक पत्र बताने जा रही हूँ.
मंत्री हिंदी परिषद हिंदू कॉलेज दिल्ली 13 सितंबर 2020। फिर लिखेंगे सेवा में प्रोफेसर रामदास मिश्रा अध्यक्ष हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। माननीय महोदय, विनम्र निवेदन के साथ आपको सूचित करते हुए गौरवान्वित हूँ कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय द्वारा मनाए जा रहे तुलसी जयंती समारोह की आप अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ाएंगे। परिषद की ओर से अनुरोध करता हूँ कि आप इस शुभ अवसर पर उपस्थित होकर हमें कृतार्थ करें। यह समारोह विद्यालय के सभागार में प्रातः 8 बजे दिनांक 20/9/2020 को मनाया जाएगा। आपसे पुनः प्रार्थना है कि उक्त कार्यक्रम में अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ाकर विद्यालय परिवार को कृतार्थ करें। सधन्यवाद भवदीय अरुण कुमार शर्मा। बच्चों, अब आपका ये अनौपचारिक पत्र समाप्त होता है। इस प्रकार से आपका औपचारिक और अनौपचारिक पत्र समाप्त हुआ। बच्चों, आपका पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र समाप्त होता है। इन पत्र लेखन से संबंधित मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रही हूँ। औपचारिक पत्र से जिसमें आप प्रार्थना पत्र, कार्यालय, आवेदन, संपादकीय पत्र, इन सारे को मिलाकर के 5 पत्रों को आपको लिखना है। उसी प्रकार से अनौपचारिक पत्र में निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, इन सबको मिलाकर के आपको 5 पत्र लिखने हैं, और जिसे कि आप अपने रफ कॉपी में घर में ही बैठकर इसको आप बनाएं।